नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पंजशीर वो इलाका जहां से तालिबानियों ने एक तरीके से तालिबानियों को सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट बन चुका है। लेकिन इस चैलेंजिंग पॉइंट के बीच दोस्तों, आपको बता दें, नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद के घर पर हुई है एक तरीके से हथियारों की बारिश, हम कह सकते हैं। हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं अहमद मसूद के लड़ाकों के लिए हथियार, और जानेंगे आखिर कौन से देश ने इस हथियारों की मदद की। और इस बीच अमरुल्ला सलेह ने भरी हुंकार कहा, अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे, लड़ाई अब शुरू होने वाली है। और इसके साथ है बहुत कुछ जानेंगे। अफगानिस्तान सीमा पर आखिर काबुल अड्डे से, यानी काबुल एयरपोर्ट से ना निकालकर भारत ने आखिर वो कौन सा भारत का सीक्रेट सैन्य अड्डा रहा जहां से हजारों लोगों को रेस्क्यू कर लिया और तालिबान को पता तक भी ना चला। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें आपको जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब भी मिलेगा और तालिबान को, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अमरुल्ला सालेह की हुंकार, अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे, लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। दरअसल अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने एक बार फिर से मंगलवार को पंजशीर के हालात पर बातचीत की है। अमरुल्ला सालेह का कहना है कि तालिबान का दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है, वो बिल्कुल गलत है। हम पूरी तरीके से अब कंट्रोल बनाए हुए हैं। पंजशीर के लोगों का जोश पूरी तरीके से हाई है। कार्यकारी राष्ट्रपति ने कहा है कि पंजशीर के लोग तालिबान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर तरीके से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपने इलाके में किसी तरीके से कब्जा नहीं होने देंगे। और ख़ास करके तालिबान अगर चाहता है लड़ाई को, तो हम लड़ने को भी तैयार हैं, ये उन्होंने कहा है। इस बीच अमरुल्ला सलेह ने कहा है कि अहमद मसूद इस वक्त अपने पिता की तरह तालिबान के खिलाफ वो भी लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से ये जंग जारी रहेगी। हम तालिबानिस्तान जो है वो नहीं बनने देंगे, मैं इस मुल्क को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे हम। तो ये उन्होंने बड़ी बातें कही हुई हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, हालांकि हम बातचीत भी चाहते हैं कि हमारे पंजशीर में जो है वो कहीं ना कहीं तालिबानियों के कब्जा ना हो, तालिबानी इधर ना बढ़ें, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में हालात जो हैं वो ख़राब होने की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि हमने आपको कल बताया था दोस्तों कि कैसे 800 के करीब लड़ाके जो है तालिबान के ढेर हो गए और अभी भी ढेर हो रहे हैं। क्योंकि जो अगर बात करें नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद के नेतृत्व में जिस तरीके से लड़ाके लड़ रहे हैं, या फिर वो हजारा फोर्सेज इस समय नई एक तरीके से सेना उभरी है, हजारा समुदाय के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है, उसके बाद एक नए फोर्सेस की तैनाती हुई हजारा समुदाय, इसको लेकर भी टेंशन बढ़ गई है। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अमरुल्ला सालेह के नेतृत्व में अफगान सेना जो है वो भी तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब आगे की जो खबर है वो आपको जानना बेहद जरूरी है, अंत तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो। अब एक और आपको बता दें, खबर है कि हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हथियार और पूर्व सैनिकों का जत्था, पंजशीर में मजबूत हुई अहमद मसूद की सेना। जी हाँ, शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद की बेटी अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस अब इस जगह तालिबान को कड़ी चुनौती दे रहा है। दरअसल शेर पंजशीर कहे जाने वाले, पंजशीर का इलाका काफ़ी दूर है, तालिबान अभी कब्जा नहीं कर सकता है। दरअसल अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर हैं। नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने में और भी मजबूती मिल रही है। अफगानिस्तान के पूर्व कमांडर ने अब पंजशीर पहुंचकर अहमद मसूद की सेना से हाथ मिला लिया है। जी हाँ, पूर्व कमांडर ने अफगानी सेनाओं को अपने एकजुट कर दिया है और वो उनके साथ पहुंचकर अहमद मसूद के साथ हाथ मिलाए हैं, और अब वे सब तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी विरोधी गुट की मदद करने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद ज़िया मसूद और नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अमनुल्लाह गुलजार पंजशीर पहुँचे हैं। इसके साथ ही उनके समर्थन और लड़ाके भी हैं, और ये सभी अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस का साथ देंगे। इस वक्त जो तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि ये दोनों अपने समर्थकों के साथ तजाकिस्तान के जरिए पंजशीर पहुंचे हैं। तजाकिस्तान से हेलीकॉप्टर के जरिए ये मदद पहुँचाई गई, इसके साथ ही कई हथियार भी लाए गए। तजाकिस्तान की ओर से लगातार नॉर्दर्न अलायंस को मदद पहुंचाई जा रही है, इसमें हथियार और इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। हथियारों के अलावा तजाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर भी पहुंचाए हैं। तो ये अपने आप में तजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक तरीके से मदद कर रहा है नॉर्दर्न अलायंस का।
और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस देश ने बड़े पैमाने पर हथियारों को भी पहुँचाया है। और अगर आप हम बात करें तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान जो है वो रूस के प्रभाव में है। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो तजाकिस्तान का नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन देना, मतलब रूस जो है वो इस समय वर्तमान पोजीशन में वो नॉर्दर्न अलायंस अहमद मशहूद और ख़ास करके अमरुल्ला सलेह जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, इनको समर्थन मिल रहा है। तो पूर्व सैनिकों का एक धड़ा और नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं अब कुछ बड़ा गेम कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान के हर प्रांत पर कब्जा कर चुका है, बस पंजशीर उससे दूर है। पंजशीर, अद्राब, बलगाम समेत कुछ इलाकों में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी चुनौती दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जगहों पर करीब 300-400 के करीब तालिबानियों को भी मार गिराया है। यही कारण है कि तालिबान को ये एक तरीके से बड़ा झटके, बड़े झटके के रूप में है। इस बीच अगर बात करें, हम नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे मसूद अहमद शाह ने साफ किया है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो हर किसी को अपने साथ लेकर चले। हम तालिबानियों के जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो ये आर पार का ऐलान, लेकिन जिस तरीके से तजाकिस्तान ने हथियारों की बारिश कर दी है, ये अपने आप में तालिबानियों के लिए चुनौती हो चुकी है। एक और अपडेट इसी में ले लेते हैं, जहाँ पे अफगानिस्तान सीमा पे भारत का वो सीक्रेट सैन अड्डा जो हजारों भारतीयों के लिए बना वरदान, इस सीक्रेट अड्डे पे उतर रहे हैं भारतीय सैनिकों का ये C-17 ग्रुप मास्टर, और भारतीयों को खास करके अल्पसंख्यक जो वहाँ हिंदू सिख हैं उनको भी निकाला जा रहा है। जी हाँ, तालिबान शासन स्थापित होते ही भारत सरकार लगातार अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। ऐसे वक्त में भारत का वो सीक्रेट हवाई अड्डा भारतीयों के लिए वरदान की तरह सामने आया है जो सालों से मौजूद है, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स के लिए गुप्त ठिकाना है। विदेशी ज़मीन पर स्थापित भारत को ये सीक्रेट हवाई अड्डा आज सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है बल्कि कई दूसरे देश के नागरिकों को भी जान बचा रहा है। कहा है कि भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा और भारतीयों के लिए वरदान बन चुका है। आखिर ये कहाँ है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल आप इस तजाकिस्तान के इस इलाकों के इस मैप को देखिए, इसी मैप पे वो है। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ होने के बाद C-17 एयरक्राफ्ट लैंडिंग की जगह नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद वो अपना दिशा बदल दिया था। और भारत का ये इकलौता सीक्रेट अड्डा है गिस्सार मिलिट्री एयरड्रोम यानी GMC, जो कि विदेशी ज़मीन और मौजूदा भारत का पहला सैन्य अड्डा है। और अफगानिस्तान की सीमा के वह हदपास मौजूद होने की वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक बढ़त देता है। यहाँ से भारत काफ़ी आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के में मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त भारत जब भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने में परेशानी हो रही है, भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा किसी वरदान की तरह से सामने आया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से प्रिंट ने लिखा है कि GMA, जिसे आयनी एयरबेस के नाम से जाना जाता है, ये नाम आयनी नाम गांव के नाम पर रखा गया है जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के ठीक पश्चिम में है और ये करीब 20 सालों से तजाकिस्तान के साथ भारत द्वारा प्रशासित है। और आपको बता दें दोस्तों, इन्हीं जगहों से एक तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को इसी हवाई अड्डे से मदद भी दी जा रही है। तो ये हवाई अड्डा काफ़ी ज़्यादा ये भारत को कहीं ना कहीं तरीके से मदद दे रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक